I have never done a video like this before, but today we are going to find out the best credit cards for all of you by looking at all these cards and ranking them from best to worst. Watch this video till the end, क्योंकि एक अच्छा credit card आपको free flights, free hotels, free gifts सब कुछ दे सकते हैं. हेलो एंड वेलकम टू अ न्यू वीडियो दोस्तों. आज मेरे साथ है एक क्रेडिट कार्ड एंथुजियास्ट. इनका नाम है नीरज भाई. नीरज भाई हेलो, कैसे हो आप? हाय अंशुमन, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर चैनल. आई एम वेरी एक्साइटेड टू टॉक अबाउट क्रेडिट कार्ड्स टुडे. नीरज भाई, प्लेजर इज ऑल माइन. द रीजन व्हाई वी आर डूइंग दिस इज बिकॉज मैं अगले महीने जा रहा हूँ बाली, ठीक है, एंड मेरी जो दोनों टिकट्स हुई है वो मुझे सिंगापुर एयरलाइंस से फ्री में मिली है क्योंकि मेरे पास क्रेडिट कार्ड्स के पॉइंट्स थे. लास्ट ईयर मी एंड माय वाइफ वेंट ऑन द सेम विंग सिंगापुर एयरलाइंस. वी फ्लू A380 बिजनेस क्लास फ्रॉम बॉम्बे टू वियतनाम, राइट. रिटर्न टिकट फ्री ऑफ कॉस्ट था, यू नो, एवरीथिंग बुक्ड ऑन थ्रू क्रेडिट कार्ड पॉइंट्स. आपकी बातें सुन के बहुत एक्साइटेड हूं मैं, एंड आई थिंक लोगों को अब जानने की जरूरत है कि क्रेडिट कार्ड्स को कैसे अच्छे से इस्तेमाल करें ताकि आपको बेस्ट बेनिफिट्स और बेस्ट आरओआई मिल सके, ठीक है. सो नीरज जी, आज एक काम करेंगे, आप मुझे 8 से 10 अपने क्रेडिट कार्ड्स, अच्छे हाइप्ड क्रेडिट कार्ड्स के बारे में बताइए, एंड वी विल रेट ऑल दीज क्रेडिट कार्ड्स इन 4 डिफरेंट कैटेगरीज. लेट्स स्टार्ट नीरज जी. सो अंशुमन, फर्स्टली वी विल स्टार्ट विद अ वेरी बेसिक एंड अ बिगिनर्स कार्ड व्हिच आल्सो हैज अ ग्रेट रिवॉर्ड रेट. सो दिस इज द कार्ड कॉल्ड SBI कैशबैक कार्ड. सो ये कैशबैक कार्ड बेसिकली इज फॉर बिगिनर्स हु स्पेंड अ लॉट ऑनलाइन, राइट. तो ये कार्ड की खासियत क्या है? एट अ फी ऑफ 999 rupees प्लस GST, इसमें आपको फ्लैट 5% कैशबैक मिलता है ऑन योर ऑल योर ऑनलाइन स्पेंड्स. नीरज भाई, ऑनलाइन स्पेंड्स मतलब कोई भी ऑनलाइन पेमेंट की स्पेसिफाइड वेंडर्स हैं? नहीं, उन्होंने स्पेसिफाइड वेंडर्स की लिस्ट है उनके पास. वो लिस्ट की मैं लिंक शेयर कर दूंगा आपके साथ, अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर सकते हो. बट दीज वेंडर्स आर जनरली से अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया. सो इसमें क्या है, 5,000 रुपये तक का कैशबैक आपको मिलेगा. 5,000 रुपये तक का कैशबैक अप टू 1,00,000 रुपीज ऑफ स्पेंड्स, तो वो 5% हो गया. एंड ये जो कैशबैक है ब्रो, ये किस तरीके में आएगा? ये आपको आपके स्टेटमेंट में क्रेडिट हो जाएगा. -5,000 मतलब वैसी बात, माइनस मतलब जैसे स्टेटमेंट आज जनरेट हुआ तो नेक्स्ट 1 वीक के अंदर अंदर आपके जो आपका जो कैशबैक है वो भी क्रेडिट हो जाएगा. ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छा कार्ड है, राइट, स्पेशली फॉर पीपल जो सिर्फ ऑनलाइन ही चीजें खरीद रहे. हाउ डिफिकल्ट इज इट टू गेट दिस कार्ड? लाइक आई टोल्ड यू, एलिजिबिलिटी इज नॉट डिफिकल्ट. इफ यू हैव एन एक्टिव इनकम एंड अ गुड क्रेडिट स्कोर यू विल गेट इट. समझ गया, मतलब यू कैन गेट इट विथ एन इनकम ऑफ 30,000-45,000 में भी आपको ये कार्ड मिल सकता है. स्टिल वन डिस्क्लेमर गाइज, व्हेन यू आर जस्ट स्टार्टिंग आउट इन योर करियर और अगर आपकी इनकम 25,000-30,000 रुपए, इवन 40,000 है, और अगर आप अपने खर्चे सिर्फ बेली मैनेज कर पा रहे हो, डोंट गेट अ क्रेडिट कार्ड. यू शुड गेट वन क्रेडिट कार्ड वंस यू आर एबल टू मैनेज योर एक्सपेंसेस वेरी कंफर्टेबली. नीरज जी बताइए, ये कार्ड किस में डालना है? फॉर अ बिगिनर आई वुड पुट दिस कार्ड इन द गोल्ड कैटेगरी बिकॉज इट्स अ वेरी गुड कार्ड टू हैव. SBI कैशबैक, लेट्स स्टार्ट, यू आर सेइंग गोल्ड कैटेगरी, ठीक है, परफेक्ट. नेक्स्ट कार्ड हो गया Amazon पे ICICI कार्ड. दिस इज वेरी क्लोज टू माई हार्ट क्योंकि ये मेरी लाइफ का सबसे पहला क्रेडिट कार्ड है. एंड दिस इज अ वेरी इजी कार्ड टू गेट इफ यू आर एन एग्जिस्टिंग ICICI कस्टमर एंड इफ यू हैव Amazon प्राइम, राइट. तो इसमें अच्छी बात क्या है, अगर आप सिर्फ Amazon पे शॉपिंग करते हो, ठीक है, अगर आप बाकी वेबसाइट्स पे नहीं करते हो, सिर्फ Amazon पे करते हो, तो इसमें और आप Amazon प्राइम के मेंबर हो तो आपको 5% कैशबैक मिलता है, पहली बात. दूसरी बात, फ्री ऑफ कॉस्ट है, देर इज नो जॉइनिंग फीस और रिन्यूअल फीस. देन नॉन प्राइम मेंबर्स को भी इसमें 3% का कैशबैक मिलता है. और अगर आप ये कार्ड Amazon पे भी यूज करते हो फॉर मेकिंग यूटिलिटी बिल पेमेंट्स एंड अदर इंश्योरेंस पेमेंट्स एंड सो ऑन, राइट, तो भी इस पे आपको 2% का कैशबैक मिलेगा और दूसरे स्पेंड्स पे आपको नॉर्मल 1% का कैशबैक मिलेगा. तो इसको मैं बेसिक वाली कैटेगरी में ही डालूंगा क्योंकि यहाँ पे 5% कैशबैक सिर्फ Amazon पे है कंपेयर टू आवर प्रीवियस कार्ड जहाँ पे सब सारे ऑनलाइन वेबसाइट्स पे थे. ठीक है, बढ़िया बढ़िया. नीरज भाई अगला कार्ड बताइए. मेरे पास ये कार्ड एक्चुअली है. सो दिस इज दी HDFC टाटा न्यू इन्फिनिटी कार्ड. इसकी एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स थोड़ी बड़ी है, 1,00,000 रुपीज की नेट मंथली इनकम होनी चाहिए. आइदर यू आर सेल्फ एम्प्लॉयड और सैलरीड, दोनों के लिए चलेगी, बट 1,00,000 की इनकम है. और इसकी जो फर्स्ट ईयर फीस है वो 1,499 रुपीज प्लस GST है. और इसमें आपको वेवर भी मिल जाता है, अगर आप 3,00,000 रुपये स्पेंड करते हो साल में तो नेक्स्ट ईयर की फीस वेव ऑफ हो जाएगी और
आप जब साइन अप करोगे इस कार्ड के लिए तो आपको 1499 न्यू कॉइन्स मिलेंगे। तो ये न्यू कॉइन्स क्या होते हैं पहले तो वो समझते हैं। तो जैसे आपने देखा ये कार्ड टाटा का कार्ड है, HDFC एंड टाटा टाइड अप हैंड्स एंड दे इशूड दिस कार्ड। ये कार्ड की खासियत ये है कि अगर आप टाटा ब्रांड्स पे शॉप कर रहे हो, टाटा ब्रांड्स एंड ऑन टाटा न्यू ऐप दोनों में से कुछ भी चलेगा, आपको सीधा 5% दोनों ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों आपको सीधा 5% कैशबैक मिलता है एज न्यू कॉइन्स। न्यू कॉइन क्या हो गया, ये टाटा न्यू के ऐप में आपको दिखेंगे न्यू कॉइन्स, 1 कॉइन इज इक्वल टू 1 रुपी वैल्यू जो है इनकी। और नीरज भाई अगर मैं वेबसाइट में शॉपिंग करके उसको स्वाइप करूं तो ऑटोमेटिकली मेरे न्यू अकाउंट में आ जाएंगे कि कोई और तरीका है उसका? वो आपके स्टेटमेंट में आ जाएंगे। पर एक चीज, ये टाटा से टाटा में रिस्ट्रिक्टेड है। करेक्ट, समझ गया। ठीक है, बताइए नीरज जी, इज इट बेटर देन Amazon पे ICICI कार्ड? बिकॉज आई पर्सनली फील SBI कैशबैक से ये बेटर नहीं है। इसमें देखो डिपेंड करता है, जैसे यूटिलिटी पेमेंट्स है, आपकी इलेक्ट्रिसिटी पेमेंट्स हो गई, वाटर बिल पेमेंट्स हो गया, ठीक है, तो ये सारे पेमेंट्स तो आपको SBI कैशबैक पे कुछ नहीं मिलेगा। बट इसमें आपको अगर आप टाटा न्यू ऐप से पे कर रहे हो तो 5% मिलेंगे, राइट? तो वहाँ पे ये कार्ड बेटर हो जाता है उससे। टाटा न्यू ऐप से आप इलेक्ट्रिसिटी बिल भी पे कर सकते हो? करेक्ट, कर सकते हो। एंड यू गेट 5% कैशबैक ऑन दैट? यस, यूटिलिटी बिल पेमेंट्स आर कवर्ड। सो आई एम कन्विंस्ड। आई थिंक ये कार्ड गोल्ड कैटेगरी में जा सकता है। नीरज भाई आपके हिसाब से क्या है? गोल्ड में डालेंगे इसको भी हम, इसको सुपर प्रीमियम प्लैटिनम में। एक्चुअली यू नो इट्स नॉट अ कार्ड वेयर यू कैन व्हिच यू कैन यूज एवरीवेयर, राइट? तो उसके लिए प्लैटिनम के लिए स्पेसिफिक 2-3 कार्ड्स है जो आगे आएंगे, बट अरे इंटरेस्टिंग, इसको प्लैटिनम में नहीं डालेंगे हम। नीरज भाई ये हम डाल देते हैं टाटा न्यू को गोल्ड कैटेगरी में। नीरज भाई अगला जो कार्ड है वो मैं सजेस्ट करना चाहूंगा, 1 साल पहले तक बहुत यूज करता था, अब मैं यूज करना मैंने बंद कर दिया है। कार्ड का नाम है एक्सिस मैग्नस। व्हाट अ फैंटास्टिक कार्ड। इस मैग्नस कार्ड में हर 200 रुपए के खर्च में आपको 12 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते थे और इसमें बहुत क्रेजी क्रेजी मल्टीप्लायर भी होते थे। जैसे कि अगर आप एक्सिस के प्लेटफॉर्म से होटल या फ्लाइट बुक करोगे तो आपको 10x रिवॉर्ड पॉइंट मिलेगा, मतलब 200 रुपए के खर्चे में 120 रिवॉर्ड पॉइंट। ये कार्ड में पहले क्या होता था कि अगर आप 1 महीने में 1 लाख रुपए खर्च रहे हो, ठीक है, तो आपको एक तो 12 पॉइंट फॉर एवरी 200 रुपीज तो मिलता है, उसके ऊपर ये लोग आपको 25,000 पॉइंट्स और दे देते 1 लाख रुपए खर्च करने के लिए, ठीक है। और ये जो 25,000 पॉइंट्स थे प्लस जो आप 12 फॉर एवरी 200 अर्न करते हो उसको आप ट्रांसफर कर सकते हो बहुत सारे होटल्स और एयरलाइंस में, ठीक है। तो ये जो ट्रांसफर रेशियो था पहले 5:4 का था, तो मतलब एवरी 100 पॉइंट्स के अगेंस्ट आपको 80 होटल पॉइंट्स या एयरलाइन पॉइंट्स मिलते थे, अब वो 5:2 का हो गया, तो और वो भी डाउनग्रेड हो गया। अगर आप 1 लाख रुपए खर्च करते हो तो आपको करीब 31,000 रुपए के मिनिमम पॉइंट्स मिलते थे इस कार्ड में, ठीक है। मैंने 2023 के साल में जब तक ये कार्ड अच्छा था हर महीने मैंने अपना सारा खर्चा सिर्फ इसी कार्ड से किया है, ओके। हर महीने मुझे करीब 30,000 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते थे एंड ये 30,000 रिवॉर्ड पॉइंट्स सिंगापुर एयरलाइंस के प्लेटफॉर्म में 5:4 में करीब 20-22,000 हो जाते थे। एंड वुड यू लाइक टू गेस कि मुंबई से सिंगापुर या मुंबई से बाली का 1-वे टिकट में कितने माइल्स लगते हैं? सो बिजनेस क्लास टिकट आपको 43,000 में आ जाता है और 20,000 से 25,000 में आपको इकोनॉमी की टिकट आ जाती है, तो फॉर एवरी 1 लाख आपको 1 इकोनॉमी की टिकट मिलती है। तो एक्सिस मैग्नस वॉज एन अमेजिंग कार्ड, बट फिर अक्टूबर या नवंबर लास्ट ईयर उनका डीवैल्यूएशन हो गया, नए अपडेट्स आ गए गाइस क्रेडिट कार्ड में, और वो अपडेट के बाद कार्ड के फीचर्स बहुत कम हो गए। एक चीज है दोस्तों, जब भी आप कोई क्रेडिट कार्ड ले रहे हो आज के फीचर्स सोच के, ठीक है, याद रखना कि जो फीचर्स और जो बेनिफिट्स है वो एंटायरली क्रेडिट कार्ड कंपनी के डिस्क्रिप्शन पे, वो जब चाहे इसे चेंज कर सकते हैं, जब चाहे अपने रूल्स अपडेट कर सकते हैं। नीरज भाई आज इस कार्ड का क्या हालत है प्लीज बताइए। जैसे मैंने बताया अंशुमन, वो बोनस रिवॉर्ड जा चुका है और बहुत कॉम्प्लिकेट कर दिया है एक्सिस ने, तो लाइक आई सेड टाइम वेस्ट नहीं करना, इसको आप डालो लास्ट वाले बकेट में। Yes, needs improvement, right? अब आपने भी एक एक्सिस का नया कार्ड ले लिया है, right? Yes, sir, अभी recently लिया है, 1 हफ्ते पहले 2 हफ्ते पहले, और ये है अगला कार्ड, एक्सिस एटलस कार्ड। Awesome, एकदम बढ़िया। Please tell me about the एक्सिस एटलस कार्ड। एटलस की एलिजिबिलिटी इज यू नो 12 लाख अगेन, तो 1 लाख रुपीज की अगर आपकी मंथली नेट एंड इन एंड इनकम है तो यू आर एलिजिबल फॉर दिस कार्ड, ठीक है।
फ्री नहीं है ये कार्ड, ठीक है, ये आपको 5,000 रुपीज का एनुअल फीस है, तो 5,900 रुपए पड़ते हैं। नीरज भाई ये 5,000 के अगेंस्ट मुझे कुछ मिलने वाला है कि ये 5,000 रुपए गया? 2,500 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे आपको इसके अगेंस्ट। तो वो 2,500 रिवॉर्ड पॉइंट्स, इसका जो ट्रांसफर रेशियो है टू पार्टनर होटल्स हो गए, एयरलाइंस हो गए, राइट, तो होटल्स में जैसे मैरियट हो गया, एकोर हो गया, IHG हो गया, ये सारे ग्रुप्स को आप ट्रांसफर कर सकते हैं। एयरलाइंस में विस्तारा है, एमिरेट्स है, बहुत सारे यू नो पार्टनर हैं, सिंगापुर एयरलाइंस जिसके बारे में हमने बात किया, बहुत सारे पार्टनर एयरलाइंस, तो वहाँ पे आप ट्रांसफर कर सकते हो। इसका रेशियो है 1:2। ओह, मतलब 2,500 रिवॉर्ड पॉइंट्स पे 5,000 माइल्स मिलेंगे? बिल्कुल, 2 points फॉर एवरी 100 rupees स्पेंड। अगर आप इसको ट्रैवल पोर्टल्स पे स्पेंड करते हो, चाहे वो एक्सिस का हो या बाहर वाले हो, जैसे मेक माई ट्रिप वगैरह हो गया, या फिर कोई होटल में स्पेंड करते हो, तो 5 points फॉर एवरी 100 rupees स्पेंड। और इसमें टीयर बेस्ड रिवॉर्ड रेट्स भी है, जैसे आप 3 lakh स्पेंड करते हो तो आपको 2,500 पॉइंट्स मिलेंगे एज अ बोनस, 7.5 lakh स्पेंड करते हो साल में तो और 2,500 मिलेंगे, और 15 lakh स्पेंड करते हो तो और आपको 5,000 मिलेंगे, ठीक है, तो टोटल 10,000 आप बोनस अर्न कर सकते हो। एंड अगर आप नॉर्मल स्पेंड्स कर रहे हो, ट्रैवल वाले नहीं कर रहे हो स्पेंड, तो 30,000 15 lakhs पे 30,000 नॉर्मल पॉइंट्स अर्न कर सकते हो, तो टोटल 40,000 पॉइंट्स अर्न कर सकते हो आप इसमें। अच्छा, तो 40,000 रिवॉर्ड पॉइंट्स मतलब 80,000 माइल्स अप्रोक्सीमेटली, 80,000 माइल्स, करेक्ट। तो ठीक है नीरज भाई, कहाँ डालना है इसे बोलिए, मेरे को तो बहुत तो अच्छा लग रहा है। इसमें भी देखो, आपको फ्यूल पे, रेंट पे, वॉलेट लोड्स पे, इंश्योरेंस पे, ज्वेलरी परचेजेस पे भी पॉइंट्स नहीं मिलते हैं इसमें बाय द वे, तो इसको भी मैं एक्चुअली समवेयर बिटवीन प्लैटिनम एंड गोल्ड डालूंगा, तो लेट्स पुट इट इन गोल्ड ओनली। नीरज भाई, अब मुझे दो ऐसे कार्ड्स को डिस्कस करना है, ठीक है, जिसको मेरे रिलेशनशिप मैनेजर्स बार बार रेकमेंड कर रहे हैं, आई हैवंट गॉटन इट येट। पहला कार्ड है HDFC बिज ब्लैक। तो बताइए ये कार्ड कैसा है, लेने लायक है? अच्छा भाई, आपके पास है ये कार्ड ऑलरेडी, राइट, आपको ये कॉल को इधर ही बॉस करना है, पहले ये कार्ड लेना है। तो इसमें सबसे पहले मैं एलिजिबिलिटी की बात कर लूं, 22 लाख रुपए ITR है, 22 लाख रुपए की सेल्फ एम्प्लॉयड एंड 22 लाख रुपीस की ITR, ठीक है, ITR। तो मैं आपको बताता हूं इस कार्ड की खासियत, अप टू अप्रोक्सीमेटली 60,000 रुपीस ऑफ टैक्स पेमेंट्स इन अ मंथ, ठीक है, आपको 15% का रिवॉर्ड मिलेगा। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, डू यू आल्सो मीन GST पेमेंट्स की सिर्फ इनकम टैक्स? GST एंड योर इनकम टैक्स पेमेंट्स बोथ, 16.5% एक्चुअली, ठीक है। तो अब मैंने इस पे टैक्स पेमेंट्स करने शुरू कर दिए हैं हमारी कंपनी में, ठीक है, तो सीधा सीधा आपको 60,000 रुपीज़ तक के मैं आपको आपका 16.5% मिल जाएगा। वो 7,500 का कैप है इसमें, मल्टीप्लायर जो बेनिफिट है, जो नॉर्मल रिवॉर्ड रेट है इस कार्ड में 3.3%, ठीक है। एक और बताऊँ आपको बेनिफिट इसमें? बताइए, मैं ऑलरेडी कन्विंस्ड हूँ। एवरी 5 lakh रुपीज़ के स्पेंड पे आपको 5,000 रुपये का वाउचर मिलेगा, ताज या ITC का आपको सिलेक्ट करना है। तो साल में आप 4 वाउचर्स अर्न कर सकते हो इफ यू आर स्पेंडिंग 20 लाख ऑन दिस, तो आपका इफेक्टिव रिवॉर्ड रेट हो गया 3.3% प्लस 1%। मुझे आप ये बताइए, 5 lakh रुपए हम पूरे साल में खर्च कर सकते हैं कि कोई एक थ्रेशोल्ड है? नहीं, क्वार्टरली थ्रेशोल्ड है। अंशुमन, वन थिंग टू नोट इज, ये जो 3.3% रिवॉर्ड रेट की बात करें, जो भी रिवॉर्ड रेट की बात करें, जो पॉइंट्स हैं, आपको इसको अपने ट्रैवल के लिए रिडीम करना है, क्योंकि वहीं पर आपको ये रिवॉर्ड रेट मिलेगा, ठीक है। ओके, तो क्या रखना है इस कार्ड को, प्लैटिनम की गोल्ड? आप बताओ, मेरे हिसाब से तो प्लैटिनम है ये। नीरज भाई, प्रॉब्लम पता है क्या है, ये जो जब भी मैं 16-17% का रिटर्न रेट देखता हूँ ना, है ना, डर लगता है कि ये शायद 6-8 महीने में ही बंद हो जाएगा। बट द गुड पार्ट इज दैट HDFC के जो क्रेडिट कार्ड्स है उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत स्ट्रिक्ट है। एब्सोल्युटली, HDFC में रेगुलरली डिवैल्यूएशंस नहीं होते हैं, बहुत रेयरली होते हैं। सो आई मीन आई कैन ट्रस्ट HDFC की एटलीस्ट साल भर, साल डेढ़ साल तो इसमें कोई डिवैल्यूएशन नहीं है। ठीक है, सो फॉर बिजनेस ओनर्स, ओनर आई विल पुट इट इन प्लैटिनम, फॉर अ सैलरीड पर्सन आई विल पुट इट बिलो नीड्स इंप्रूवमेंट। आई मीन सैलरीड पर्सन शुड नॉट लुक एट दिस कार्ड, डज नॉट मेक सेंस फॉर देम। और अब एक कार्ड बचा नीरज जी, ये कार्ड के बारे में आपके सारे CC Geek कम्युनिटी वाले लोग इस कार्ड के बारे में बात करते हैं कि ये कार्ड है जो आज तक मैग्नस जैसा ही कार्ड है। कार्ड का नाम है HDFC इन्फिनिया। बताइए इन्फिनिया, HDFC इन्फिनिया कार्ड।
HDFC के वेबसाइट पे जाके देखोगे एलिजिबिलिटी फॉर दिस कार्ड, इट सेज बाय इनवाइट ओनली। वाह, तो मेरे पास ये कार्ड है, ठीक है, हियर इज द कार्ड। अब तो जो न्यू कार्ड्स इशू हो रहे हैं वो मेटल फॉर्म में इशू हो रहे हैं, मेरे पास पुराना प्लास्टिक वाला कार्ड है। सो इसका एलिजिबिलिटी किसी को नहीं पता, ठीक है, तो इसमें मैं आपको बताता हूँ कि इसकी एडवांटेजेस क्या है। पहले तो हम फीस से स्टार्ट करते हैं, 12,500 प्लस GST, तो 12,500 प्लस GST, एंड यू विल गेट 12,500 पॉइंट्स। 1 पॉइंट इज इक्वल टू 1 रुपी इफ़ यू यूज ऑन स्मार्ट बाय प्लेटफॉर्म, जो हमने उसमें डिस्कस किया था बिजनेस ब्लैक में, राइट। नीरज जी, स्मार्ट बाय प्लेटफॉर्म देख लेके एक बार, आई वॉन्ट टू चेक आउट क्या है स्मार्ट बाय प्लेटफॉर्म। अब इसमें आप देखो कि आप जो ट्रैवल वाला टैब है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो अगर आप यहाँ से अपने फ्लाइट टिकट्स बुक करते हो तो आपको 5x रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं। 5x का मतलब क्या हो गया, 3.3% नॉर्मल रिवॉर्ड रेट है, 5x हो गया 16.5%। तो मेरी कोई भी कैश बुकिंग होती है, मैं स्मार्ट बाय प्लेटफॉर्म यूज़ करता हूँ, उसमें मैं डिसाइड करूँगा कि मुझे HDFC इन्फिनिया यूज़ करना है या बिजनेस ब्लैक यूज़ करना है। बाय द वे, बिजनेस ब्लैक में भी आपको 5x रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे, अपार्ट फ्रॉम टैक्स पेमेंट्स इस पे भी मिलेंगे, ठीक है। ओ माय गॉड, टैक्स पेमेंट में 7,500 का लिमिट है, और नॉर्मल स्पेंड्स पे, मतलब ये स्मार्ट बाय स्पेंड्स पे भी 7,500 का लिमिट है। इन्फिनिया में 15,000 पॉइंट्स का लिमिट है इन अ मंथ, जो एक्सेलरेटेड पॉइंट्स है, राइट। इसका ये मतलब है कि आप 15,000 पॉइंट से ज्यादा नहीं कमा सकते एक महीने में, एक्सेलरेटेड पॉइंट्स नहीं कमा सकते आप। तो जो 5x रिवॉर्ड पॉइंट्स की बात कर रहा हूँ ना मैं, वो नहीं कमा सकते आप, बट आप नॉर्मल 3.3% तो कमा सकते हो। और इसमें 2-3 बेनिफिट्स और है। इसमें भी आपको क्लब मैरिट का मिलेगा जब आप इस कार्ड को साइन अप करोगे इन द फर्स्ट ईयर, क्लब मैरिट की मेंबरशिप मिलती है। ITC होटल्स में इस कार्ड में आपको 1+1 बुफे मिलता है, वो लिस्ट है ITC होटल्स की। और अगर आप ITC होटल्स में रूम नाइट बुक कर रहे हो तो फॉर एवरी 3 nights बुक्ड 3rd night इज फ्री ऑन दिस कार्ड, ठीक है। सो दीज आर सम मोर बेनिफिट्स ऑन दिस कार्ड। इंश्योरेंस पेमेंट्स पे भी आपको पॉइंट्स मिलते हैं इस कार्ड पे, 3.3% पॉइंट्स अप टू 5,000 पॉइंट्स इन अ मंथ। वेरी नाइस, तो कौन से कैटेगरी में डाला जाए? मैं आई एम कन्विंस्ड टू पुट इट ऑन प्लैटिनम। किस में डालोगे इसको? आई एम कन्विंस्ड टू पुट इट ऑन प्लैटिनम। You know where to put the keepers, platinum category. That brings us to the end. Neeraj bhai, thank you so much for doing this. मतलब आज बहुत सारे credit cards के बारे में बहुत clarity मिली है, बहुत ही ज़्यादा clarity मिली है. Thank you so much Neeraj bhai for sharing your information, for sharing your wisdom. और दोस्तों, अगर आपको regularly credit cards के बारे में सीखना हो तो Neeraj bhai का channel है Neeraj Dugar. Subscribe करो यार, इनको subscribe करो, और इस video के बाद इनके हर एक वीडियो देखो और नई नई चीजें क्रेडिट कार्ड्स के बारे में सीखते रहो। थैंक यू सो मच गाइस, हिट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। गुड बाय।